बड़ी खबर आ रही है, लालू को सुनाई गई है 5 साल की सजा। चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा घोषित की गई है कोर्ट की ओर से। सुनवाई चल रही थी चारा घोटाला, जिसमें डोरंडा मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई है। अलग अलग मामले इस पूरे घोटाले में, 149 करोड़ का ये पूरा घोटाला, जिसमें लालू को डोरंडा मामले में अब 5 साल की सजा सुनाई गई है। आज कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया। आपसे कुछ ही देर पहले यह फैसला आया, जिसमें 5 साल की सजा दी गई है लालू प्रसाद यादव को। और भी कई मामले लंबित हैं जिनमें कोर्ट को फैसला देना है। स्पेशल सीबीआई अदालत ने यह सजा सुनाई है। चारा घोटाला आपको मालूम होगा लंबे समय से लालू यादव की मुश्किल का सबब बना हुआ है। लंबे वक्त तक वो जेल में भी रह चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन अब डोरंडा मामले में लालू को 5 साल कैद का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशल सीबीआई अदालत में यह सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के बाद फैसला आ चुका है। 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो 5 साल की सजा और साथ ही 60 लाख का जुर्माना इस पूरे मामले में। डोरंडा मामला है ये चारा घोटाला से ही जुड़ा हुआ है। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, क्या कुछ कहा स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने? देखिए, 5 साल का सजा सुनाया गया है, साथ ही साथ 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। और इस वक्त जो है देवऋषि मंडल, उनके वकील और भोला यादव जी है, पहले भोला यादव से बात कर लेते हैं, फिर क्या हुआ डिटेल्स हमको थोड़ा बता दे प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। हमारे अधिवक्ता ही बता रहे हैं। हाँ, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी निर्दोष है। हमें उम्मीद है ऊपरी अदालत से अभी फिलहाल पांच साल की सजा हुई है। हाँ, अब देखिए, देवर्षि मंडल जी हैं, लालू जी के काउंसिल हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। देवर्षि जी, ये बताइए कि आप व्हाट नेक्स्ट, और ये कितना सजा सुनाया गया है, पूरा टेक्निकल पहलू जो है हमको समझाया दर्शक। देखिए, 5 साल की सजा है और 60 लाख की फाइन। अब हम अपील में मूव करेंगे और अपील में मूव करने के बाद वहाँ आईए डालेंगे। और आईए, अगर हम लोग उसको, उसका फुल फॉर्म, आईए का फुल फॉर्म होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन उस अपील में, ठीक है। उसके बाद वहाँ हम लोग दरखास्त करेंगे से कि हमें बेल पे छोड़ा जाए। यही है पूरा टाइम। अच्छा, नहीं, ये अब बताइए कि जैसे ये 4 केसेस चल रहा था, उसमें लोगों को ये जानकारी थी कि कंकरेंट सेंटेंस होता है, और उसमें जो है जैसे दुमका कोषागार में 7 साल की सजा हुई थी ऑलरेडी, 14 साल की सजा हुई थी, तो ऑलरेडी हाफ टर्म सर्व करने के आधार पे वो बेल पे है, तो वो ऑलरेडी जो है सजा काट चुके, तो अब क्या उसी आधार पे बेल मिल जाएगा या क्या है इसमें? देखिए, जजमेंट का कॉपी हमारे हाथ में आने दीजिए, हम स्क्रूटनाइज करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं, अभी है, अभी रहना पड़ेगा उनको, अभी कुछ दिन तो रहना पड़ेगा जब तक हम अपील फाइल नहीं करते और ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट से जब तक बेल पे वो निकलते। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि वो अभी तक कितना महीना जेल में काट चुके हैं? देखिए, लोग कोई कह रहे हैं कि 46 मंथ्स है, कोई कुछ कह रहा है कि वो कैलकुलेशन हम किए नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही हम बता सकते। तो ये आप चले आइए, एप्लीकेशन डालेंगे, पहले अपील का एप्लीकेशन डालेंगे, साथ ही साथ आइए का, यानी हाईकोर्ट आप लोग हाईकोर्ट हमें मूव करना ही। तो ये भोला यादव जी साथ एकदम लालू जी के करीबी हैं और वही जो है सबको यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए, तो आप लोग अब हाईकोर्ट मूव कर रहे हो, वहाँ से आपको न्याय की उम्मीद है। हमारे लोग ऊपरी अदालत में अपील में जाएंगे और पूरी उम्मीद है जो हमें न्याय मिले जी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं नेहा, ये जो है भोला यादव और साथ ही साथ देवोश्री मंडल, दोनों ने बताया कि अब आईए एप्लीकेशन दायर किया जाएगा। 5 साल की सजा हुई है और 60 लाख जो है जुर्माना लगाया गया है, तो अब जो है बाकी जो केसेस हैं उसमें वो बेल पे हैं। हर जगह से राहत उन्हें हाईकोर्ट से ही मिली है, स्पेशल जो सीबीआई कोर्ट है या फिर जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, वहां से उनको राहत नहीं मिली थी। उसके बाद हाफ ऑफ द टर्म सर्व करने के आधार पे वो फिलहाल बेल पे चल रहे हैं उन केसेस में, लेकिन जो पांचवा मामला था डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का 139 करोड़ का, उसमें उन्हें 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। और क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है, आर्गूमेंट हुआ फर्स्ट हाफ में 11:30 बजे से आर्गूमेंट था, 12 बजे के आसपास से आर्गूमेंट शुरू हुआ। आर्गूमेंट सुनने के बाद जज ने फैसला जो है कहा था कि हम 1:30 बजे के बाद सुनाएंगे, तो अब जो है फैसला आ गया है, यानी ये साफ हो गया है कि मैक्सिमम जो धाराएं लगाई गई थी उसमें मैक्सिमम प्रोविजन जो है 7 साल की है,
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत जरूर देगा आरजेडी कैंप को और लालू के जो समर्थक है उनको। अब जो है मैक्सिमम टर्म इन्हें नहीं किया गया है, इसमें जो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जो धाराएं लगाई गई है आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट जो लगाए गए थे, धाराएं जो लगाए गए थे उसके तहत 7 साल का सजा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ है। मिनिमम प्रोविजन 1 साल का था, मैक्सिमम 7 साल का था, तो अब जो है उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये उनको सत्यजीत दो तीन बातें आपकी जानकारी से साफ हो रही है। एक तो मैक्सिमम सजा 7 साल थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर 5 साल की सजा दी गई है, यानी कि थोड़ी बहुत राहत। दूसरी बात जो अहम आपने कही वो ये कि अब हायर कोर्ट को मूव किया जाएगा, उनके वकील की ओर से एक पेटिशन फाइल की जाएगी। तीसरी बात ये कि लालू प्रसाद यादव पर इस पूरे मामले में ये 5वां मामला जिस पर सुनवाई ये स्पेशल कोर्ट कर रही थी उसमें फैसला आया है, उसके तहत अब 60 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि ये पूरा का पूरा चारा घोटाला दरअसल क्या था, क्योंकि ये लंबित मामला है, बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसमें काफी सजा लालू प्रसाद यादव काट भी चुके हैं। अब कितनी सजा बाकी है, अब क्या दोबारा उन्हें जेल जाना होगा, अब दोबारा जेल जाएंगे तो कब तक जाएंगे, क्या जब तक पेटिशन फाइल होगी उसका वेट किया जाएगा, क्या है ये पूरी पूरा ये चारा घोटाला, समझाइए। देखिए ये शुरू हो चुका था 1990 से ही, जो है लगातार ये मामला चला आ रहा है, और जब झारखंड अलग हुआ अनडिवाइडेड बिहार से, उसके बाद 6 मामले कुल चल रहे थे 950 करोड़ के चारा घोटाला में, जिसमें 5 मामला जो है वो झारखंड में ट्रांसफर किया गया, जिसमें चाईबासा कोषागार का जो पहला मामला था 37 करोड़ के अवैध निकासी का, उसमें लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी। उसके बाद देवघर कोषागार से 79 लाख का जो अवैध निकासी का मामला, 6 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे, हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कम्प्लीट कर लिए हैं। देखिए आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 लाख रुपए 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा, अब इसको आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी राहत मिल सकती है? जी हाँ जी, हाईकोर्ट से हमें राहत मिल सकती है 60 लाख। तो वकील की ओर से जानकारी कि हाफ सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, हाई कोर्ट में अब पेटिशन दायर की जाएगी और राहत की उम्मीद यहां पर लालू प्रसाद यादव के खेमे से करी जा रही है। लेकिन लंबित ये मामला, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जब से अनडिवाइडेड जब से बिहार डिवाइड हुआ है, झारखंड की स्थापना हुई है, तब 5 मामले ऐसे थे जो झारखंड शिफ्ट कर दिए गए, 1 मामले पर अभी भी सुनवाई होनी है। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत आप समझा रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग बता रहे थे कि चाईबासा से जो पहला मामला था 37 करोड़ के अवैध निकासी का, उसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। उसके बाद फिर देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी का मामला था, उसमें 3.5 साल की सजा हुई, और उसके बाद फिर एक चाईबासा का मामला था जिसमें 33.13 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, तो उसमें भी इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी, और दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की जो अवैध निकासी हुई थी उसमें 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में हुई थी, और सबसे बड़ा मामला था 139 करोड़ के अवैध निकासी का डोरंडा कोषागार से, उसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। जो अलग अलग धाराएं थे उसके तहत उन्हें दोषी पाया गया था, लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, चीफ कंस्पिरेटर, साथ ही साथ प्राइम एक्यूज थे वो, और ये कहा गया था कि उनके नाक के नीचे, ये आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया था कि उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, वो वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके कंसेंसस, उनके कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है, और उसको कोर्ट ने माना, उन्हें दोषी ठहराया। बहुत सारे दलील दिए गए थे, 577 गवाह जो है सीबीआई की तरफ से पेश किए गए थे, लगभग 16 ट्रंक जो है दस्तावेज पेश किए गए थे, और उसके बाद 15 फरवरी को उन्हें गिल्टी दिया गया, दोषी करार दिया गया, और अब जो है आज जो है उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके पहले तमाम जो मामले थे उसमें लोअर कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, यानी ट्रायल कोर्ट से, स्पेशल सीबीआई कोर्ट से उन्हें कभी भी राहत नहीं मिली, और हमेशा 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उन्हें हर बार जो है हाईकोर्ट जाना पड़ा, और वहां पे जब उन्होंने हाफ टर्म पूरा किया
उसकी दलील दी गई और हेल्थ का जो ग्राउंड्स है उसको जो है बताया गया, उसके आधार पे उन्हें बेल दिया गया। अब जैसे दुमका कोषागार से ही जो इन्हें अवैध निकासी के मामले में बेल मिला था, तो इनको 7 साल की सजा हुई थी अलग अलग धाराओं में, तो 42 महीने की सजा पूरा करने के बाद इन्हें जो है राहत मिली थी। तो अब जो है उनके जो वकील हैं वो बता रहे हैं, अभी फिलहाल जो देवश्री मंडल है उन्होंने बोला कि जजमेंट का कॉपी देखेंगे उसके बाद बताएंगे, लेकिन दूसरे जो उनके वकील हैं वो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाफ टर्म लालू यादव ने पूरा कर लिया है और जाहिर तौर पे 42 महीना काटने के आधार पे उन्हें जो है इसके पहले दुमका कोषागार मामले में बेल मिला था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये दलील जो दी है, कंकरेंट सेंटेंस चल रहा है। कंकरेंट सेंटेंस ये होता है जो अभी तक बताया गया है, जो उनके वकील बताते हैं, यानी कंकरेंट का मतलब ये हुआ कि अलग अलग मामले हैं लेकिन एक ही नेचर है, तो ऐसे सूरत में उसमें जो है सजा की अवधि जो है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी एक साथ जोड़ा जा रहा है, उसको जो रेकन किया जा रहा है वो एक साथ रेकन किया जा रहा है, यही वजह है। अब जैसे सजा अगर कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो अब तक सजा हो गई, अगर 7-7 साल को जोड़ा जाए तो 14 साल वो हो गया और 5-5 साल जो है चाईबासा कोषागार में मिला था, तो वो बहुत जो है 12 और 5, 17, 7 में 3.5, 20 साल की सजा हो गई है, लेकिन 10 साल इन्होंने जेल में नहीं काटा, लेकिन हाफ टर्म के आधार पे इन्हें हर मामले में बेल दिया जा चुका है, यानी सेंटेंस जो चल रहा है वो कंकरेंट चल रहा है, उसी के आधार पे कैलकुलेट किया जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आरजेडी कैंप में थोड़ी बहुत राहत जरूर होगी कि 5 साल की सजा हुई है और उसके पहले वो बहुत लंबा अवधि काट चुके हैं। अब जो प्रक्रिया होगी, अब जो ये आईए एप्लीकेशन मूव करेंगे, इंट्रोलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है वो मूव करेंगे, उसके बाद वो केस एडमिट होगा, इसमें वक्त लग सकता है। इसके पहले 15 फरवरी को इन लोगों ने अर्जी भी लगाई थी कि लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको जेल के बजाय रिम्स शिफ्ट किया जाए। क्योंकि स्वास्थ्य के आधार पर पहले बेल मिल चुकी है, मैं लौटूंगी इस सवाल पर, लेकिन आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे फैसले पर सुनिए। मामले में अगर पूरा अन्वेषण कोई करेगा, अनुसंधान करेगा पूरे जजमेंट का और अन्वेषणकर्ता का अन्वेषण का, तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं देश के कई मुख्यमंत्रियों को भीतर होनी चाहिए। सत्यजीत अपनी बात पूरी रखिए, क्योंकि मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि स्वास्थ्य के आधार पर पहले जमानत मिल चुकी है लालू प्रसाद यादव को, एक बार फिर से स्वास्थ्य को आधार मानकर उन्हें राहत दी जा सकती है या फिर नहीं? देखिए कानून अपना काम करता, कानून जो है नियम के आधार पर चलता है, स्वास्थ्य एक ग्राउंड जरूर दिया जा रहा है, उसको फर्निश किया जा रहा है लालू यादव कैंप के तरफ से, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द टर्म, जो सेंटेंस इनको सुनाया जा रहा है उसका हाफ यानी उसकी आधी अवधि इन्होंने जेल में काटी है। जैसे इसके पहले 2017 से वो रिम्स में थे, 2017 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें बेल मिला 2021 के अप्रैल में, और एक साल के अंदर जो है फिर उन्हें दोबारा इस मामले में जब सुनवाई पूरी हुई, ट्रायल पूरा हुआ, तो फिर से जो है दोषी करार दिया गया। तो उस वक्त जो है उन्होंने लगभग 32 से 34 महीने जेल के अंदर काटे थे, यानी रिम्स में ही थे स्वास्थ्य के आधार पे, लेकिन उन्होंने आधी अवधि काटी थी, तो वो आधार जो है उसी को कोर्ट को मेन जो है वो लोग उसी ग्राउंड्स पे बेल मांगते हैं और उसी आधार पे कोर्ट ने उन्हें बेल भी ग्रांट किया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हाफ ऑफ द टर्म उन्होंने पूरा कर लिया है। अब यही राहत की बात जो है आरजेडी कैंप को थोड़ा बहुत जो है पहुंच रहा है कि सजा जो है इस प्रोविजन में जो धाराएं लगाई गई है उसके तहत 7 साल की भी हो सकती थी, लेकिन 5 साल की हुई है और डेफिनेटली 2.5 साल से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी जेल में काटा हुआ है, तो उन्हें राहत मिल सकती है। हालांकि हाईकोर्ट जो है किस तरह से केसेस को लेता है, अलग अलग प्रेसिडेंट्स भी बनते रहते हैं कोर्ट के मामले में, लेकिन कॉन्फिडेंट है लालू कैंप कि 2.5 साल से ज्यादा उन लोगों ने काटा है और कहीं ना कहीं उन्हें हायर कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। लौटेंगे मैं आपके पास सत्यजीत, इस बीच अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि लालू प्रसाद यादव के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी को कितना फाइन दिया गया? 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपया जुर्माना। देखिए ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था, तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कुछ देखिए
आज वो सेंटेंस सुनाया जाना था, 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इसके आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ जी, हाई कोर्ट। चारा घोटाला, इसमें डोरंडा मामले में लालू को 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, देखिए अब अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन लालू खेमा तो इस बात से खुश हो रहा है कि अब हम हायर कोर्ट में जाएंगे, वहां अपील करेंगे, वहां से राहत मिल सकती है, आधी सजा काटी जा चुकी है, ये तमाम चीजें उन्हें राहत दे रही है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है क्या? लेकिन मियां जी, दो चीजें हैं। एक तो अदालत के फैसलों का सभी को आदर करना चाहिए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जेडीयू का, एनडीए का फैसला नहीं है। उनके समर्थकों के द्वारा जिस तरह से अदालत के फैसले को डिस्टर्ब किया जा रहा है, एक तो मुझे उससे अफसोस है, उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, चूंकि वो गरीबों के लिए लड़ रहे थे इसलिए उनको सजा मिली है, नंबर वन। नंबर दो, दूसरा मेरा अफसोस ये है कि लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, रामविलास जी, सुशील मोदी जी और मैं खुद भी, हम लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भ्रष्टाचार के विरोध के लड़ाई के सैनिक रहे हैं। हमारी ही कतारों का कोई आदमी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे लालू जी के साथ हुआ है। तीसरा मेरा ये निवेदन है उन दलों से जो बिहार में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में अभी भी गठबंधन चला करके हमारी एनडीए की सरकार के विरुद्ध कार्यरत है, उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि अदालत के द्वारा दोषित भ्रष्टाचार के मामलों में जो लिप्त नेता पाए गए हैं उनसे दूरी बना के रखें। केसी त्यागी जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको नहीं लगता इतने लंबे वक्त से ये मामला चला आ रहा है, अभी तक इसमें सजा का ऐलान, इसमें अभी तक कितनी सजा काटी गई है इसका आकलन किया जा रहा है, कितनी सजा नहीं काटी गई है ये बताया जा रहा है, तो अब फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए ना सर? नेहा जी, जो भी अदालत का फैसला होगा उसका हम स्वागत करेंगे। अदालत के फैसलों पर हम इंटरप्रिटेशन या अपनी मर्जी का फैसला है इसकी नहीं इच्छा रखते हैं ना अपेक्षा रखते हैं। अदालत उनको राहत देगी उसका स्वागत करेंगे, अदालत उनको सजा देगी हम उसका स्वागत करेंगे। ये इनको हम अपनी राजनीति के हिसाब से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए चारा घोटाला बेहद कॉम्प्लेक्स ये मामला, क्योंकि इसमें 6 अलग अलग मामलों पे अलग अलग राज्यों में सुनवाई चल रही है। आज जिस मामले में फैसला आया उसमें 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना, आधी सजा काट चुके हैं लालू प्रसाद यादव, ये उनके वकीलों का कहना है। इस मामले में भी हायर कोर्ट में वो जाएंगे। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और जटिल ये प्रोसेस है संजय। जटिल मामला है, बोलो। हाँ, ये वाकई जटिल मामला तो है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर इतने सारे मामले चले जिन मामलों में वो सजा भी भुगत रहे हैं। स्वास्थ्य के आधार पर वो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना अपने आप में मायने रखता है कि उनको अदालत से अपने आप बेल तो मिलने से रही, उन्हें बेल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। और हाईकोर्ट वो कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। हाईकोर्ट से जमानत मिल गई तो फिर अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट आएगा, और अगर जमानत नहीं मिली तो लालू यादव सुप्रीम कोर्ट आएंगे। आखिरकार ये मामला इसी सुप्रीम कोर्ट में आना है और सुप्रीम कोर्ट ही उस पर पूर्ण विराम लगाएगा कि इनकी जमानत का क्या होगा, क्या वो जमानत पर बाहर आएंगे। फिलहाल उनके वकीलों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो स्वास्थ्य के आधार पर, साथ ही आधी सजा जेल में भुगतने के आधार पर वो एक याचिका जरूर लगाने वाले हैं हाईकोर्ट में, और ये बताएंगे कि आधी सजा को आधा कर दिया जाए, चूंकि उनकी स्थिति देखी जाए, उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखी जाए और लालू यादव को बाहर ही रहने दिया जाए। फिलहाल तलवार तो लटकती हुई है हाईकोर्ट में, देखते हैं कि इस पर क्या होता है। फिलहाल तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक उनको जेल जाना ही पड़ेगा। साथ ही संजय, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप देते हुए और बताते हुए, क्योंकि जब से झारखंड अलग हुआ उसके बाद इस नए राज्य का निर्माण हुआ तभी से ये पूरा मामला अपने अलग अलग स्टेजेस पर पहुंचा और आज 5वें मामले में इस तरह की सजा का ऐलान। लेकिन जो उनके वकील कह रहे हैं उससे क्या कुछ समझ में आ रहा है और आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है ये बताइए। आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया कि लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका अर्जी दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट से अगर उन्हें जमानत मिल जाती है
तो अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट आएगा एसएलपी लेकर, यानी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो लालू यादव यहां आएंगे, यानी आना उनको सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा। आगे का प्रोसेस यही है कि उन्हें एक बार तो कानून के हिसाब से 3 साल से ऊपर की सजा है, तो जाहिर है एक बार तो उन्हें शिक्षकों के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर बेल पिटीशन लगानी पड़ेगी। इस बीच में लालू यादव के वकील ये भी कर सकते हैं कि स्वास्थ्य के आधार पर कुछ रिपोर्ट दाखिल करें और रिम्स की रिपोर्ट, पटना में कुछ जहां जांच कराई है उसकी रिपोर्ट दाखिल करें, या फिर लालू प्रसाद यादव ये कहने सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, बहुत सारा बीमारी हो गया है, तो उस पर उनको अदालत का क्या रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन कानूनी प्रोसीजर यही कहता है कि उन्हें एक बार सलाखों के पीछे, कोई भी अपराधी ऐसा अगर हो जिसे 5 साल की सजा मिले 3 साल से ऊपर की, तो उसे एक बार तो सलाखों के पीछे जेल जाना पड़ेगा, फिर प्रॉपर बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, रेगुलर बेल। वो बेल उसका अदालत निपटारा कैसे करती है, बेल देती है या बेल नहीं देती है, अगर देती है तो फिर अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट आएगा, और अगर नहीं देती है तो लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट आएंगे। आना उनको सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा और यही सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ेगा। जो बचाव पक्ष है उसे, यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनके वकीलों को, क्योंकि अब जमानत की अर्जी लगानी पड़ेगी अगर जेल जाने से बचना है। उसके बाद इस पर सुनवाई होगी कि लालू प्रसाद यादव को जमानत दी जाए या नहीं। हम आपको अलग अलग केसेस दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो चारा घोटाला है इसके 6 मामले चल रहे हैं, जिसमें 5वें नंबर का जो मामला है उस पर आज फैसला आया है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए ये पूरा मामला लंबे वक्त से चला, आज 5वें मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दिया, 5 साल की सजा दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो लालू प्रसाद यादव अब तक पूरी सजा का जो पूरी सजा काट चुके हैं या फिर आधी सजा उन्होंने काटी है, उसको देखकर कोर्ट आने वाले वक्त में उन पर सॉफ्ट हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के ग्राउंड्स हो या फिर उनके वकीलों की ओर से ये कहा जाए कि आधी सजा तो वो काट ही चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल नेहा, यहाँ की टेक्निकल यहाँ पे जो बात है, जो ग्राउंड्स है कि सबसे ज्यादा सजा उन्हें 7 साल की मिली है, यानी 3.5 साल की सजा जो वो है वो काट चुके हैं, और इसी ग्राउंड पर जो है उन्हें पिछले साल अप्रैल में जो है वो जमानत दे दी गई थी कि उन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है। अब क्योंकि इस मामले में भी उन्हें सिर्फ 5 साल की सजा मिली है, यानी अगर इसका भी आधा माने तो 2.5 साल, यानी ये भी जो तर्क दिया जाएगा झारखंड हाईकोर्ट में कि उन्होंने आधी सजा इस मामले में भी पूरी कर ली है, इसीलिए ये बेल जो है इन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सब पूरा जो है निर्भर करता है झारखंड हाईकोर्ट पर कि झारखंड हाईकोर्ट बेल देता है या नहीं, या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक 6ठे केस की बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप बता रही थी कि 5 मामले में तो वे दोषी करार दिए गए हैं, जेल की सजा हो गई है, 6ठा केस भी जो है वो पटना में चल रहा है और उनकी लालू के लिए मुश्किल और बढ़ने जा रही है, क्योंकि 25 फरवरी को जो 6ठा मामला चल रहा है चारा घोटाले का, जो बांका और भागलपुर से जो है अवैध निकासी का मामला है, उसमें लालू को सशरीर प्रस्तुत होने के लिए, पेश होने के लिए जो विशेष सीबीआई अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है लालू के खिलाफ, 2 दिन पहले ही जो है ये एक डेवलपमेंट हुआ इस केस में, एक चारा घोटाले का मामला जो आखिरी मामला लालू के खिलाफ चल रहा है, और 25 फरवरी को उन्हें कोर्ट में सशरीर पेश होने के लिए कहा गया है, यानी कि 25 फरवरी को लालू को रांची के जेल से उठ के जो है उन्हें लेकर पटना लाया जाएगा, और 6ठे और आखिरी चारा घोटाले के केस में भी जो है उनकी पेशी पटना के विशेष सीबीआई अदालत में होनी है, यानी कि लालू के लिए जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने जा रही हैं आने वाले दिनों में। नेहा, ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।